अभी हम लोग मैक्सो हॉस्पिटल में हैं और मुख्य डॉक्टर बैठे हुए हैं विक्रम सर। सर, आज जो घटना हुई है और मीडिया में जो चल रही है, कई सारे अफवाह, कई सारे बातें चल रही है मीडिया में मैक्सो हॉस्पिटल को लेकर, आखिर क्या घटना हुई है? देखिए, एक्चुअली घटना क्या हुआ है, आज सवेरे सडन एक पेशेंट का अचानक हार्ट अटैक आ जाती है फैट एम्बोलिज्म होने के कारण। क्योंकि हड्डी का फ्रैक्चर होने से कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 100 में 1 पेशेंट का ऐसा होता है कि सडन जो है वो फैट एम्बोलिज्म होता है। अब फैट एम्बोलिज्म होने के कारण जो है वो हार्ट अटैक आ जाती है, और उसमें डॉक्टर बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी कभी कभी पेशेंट को हम लोग नहीं बचा पाते हैं। तो इसमें कोई पहली घटना ही नहीं है, ऐसा घटना बहुत बड़े बड़े अस्पताल में, जहाँ की मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल, दिल्ली के एम्स अस्पताल से लेकर पटना के पीएमसीएच और पटना आईजीएमएस में भी ऐसे घटना कई बार हम लोग देखे हैं, और ये पहली घटना नहीं है। ये फैट एम्बोलिज्म एक कॉमन कॉज है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होने के कारण, और इससे हार्ट अटैक हो जाता है और पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं लोग। सर, मैक्सो हॉस्पिटल हमेशा जानी जाती है स्टूडेंट के लिए, कलाकारों के लिए, गरीबों के लिए, हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा मदद करती है। आज ऐसा क्यों सवाल उठ रहा है? देखिए, एक्चुअली जो मरीज के परिजन है उसका आप बयान देखेंगे तो मरीज के परिजन का कहीं मेरे पे आरोप नहीं है कि डॉक्टर ने कोई लापरवाही किया, या डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, या डॉक्टर ने मेरे से ज़्यादा पैसा का डिमांड किया, ऐसा कहीं कोई आरोप नहीं है। लेकिन कुछ जो है, चंद पत्रकार जो होते हैं या चंद लोग जो आसपास कुछ जो मतलब असामाजिक तत्व टाइप टाइप के लोग जो होते हैं, वो हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए, और मैं इतने अच्छे अच्छे कार्य करता हूँ उसको निगेटिव दिखाने के लिए लोग ऐसा कार्य किए हैं। और मरीज का जो है परिजन से आप देखेंगे तो मीडिया वाला ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप इस पर दस्तखत करो, FIR करो, लेकिन मीडिया वाला जो है, मीडिया वाला जो मरीज के जो परिजन है बोलता है, डॉक्टर से जब मुझे कुछ शिकायत ही नहीं है तो हम इस पर दस्तखत क्यों करें, हम इस पर FIR क्यों करें, या हम ऐसा कानूनी कार्रवाई में क्यों जाएं। क्योंकि डॉक्टर तो मुझे 10 दिन से इलाज कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत प्रयास किए मेरे मरीज को ठीक करने का, चूंकि उसकी हड्डी बहुत ख़राब तरीके से टूटा हुआ था। अब बुरे तरीके से जो है मतलब कम्प्लीटेड फ्रैक्चर था, और कम्प्लीटेड फ्रैक्चर जो होता है वो काफ़ी मतलब ख़राब फ्रैक्चर में माना जाता है। और साथ साथ में उस बच्ची का 22 साल की उम्र में इतनी ख़राब हड्डी थी कि जो मतलब कि हम लोग ने भी कभी सोचा नहीं था कि इतना ऑस्टियोपोरोसिस बोन होगा, तो उनका जो है प्लेट स्क्रू अच्छे से होल्ड भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसको हम लोग काफ़ी मेहनत करके और उसका ऑपरेशन बहुत सफलपूर्वक हम लोग ने ऑपरेशन किया, और सडन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे बच्ची पानी पीती है, मोबाइल देखती है, मोबाइल में वीडियो देख रही है, अगल बगल के चूँकि तो वार्ड में मरीज है, चूँकि सर्जिकल वार्ड में पेशेंट भर्ती है, कोई ICU में तो थी नहीं, तो जब सीरियस पेशेंट नहीं था तो कुछ कोई किसी ICU में उसको क्यों रखेगा, वो तो सर्जिकल वार्ड में थी। और सर्जिकल वार्ड में होने के बाद वहाँ पर सारा पेशेंट कॉन्शस होता है, जितने भी पेशेंट वहाँ थे पूरे तरीके से होशो आवास में। तो अगल बगल के मरीज से भी हमने पूछा, क्या मेरा कोई स्टाफ तो कुछ लापरवाही नहीं किया? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, मरीज तो सुबह 8 बजे एकदम फर्स्ट क्लास अपने पानी पी रही है, मोबाइल देख रही है, उनके चचा है और उनको पानी ला के दिए, उनके चचा को बोला गया कि कुछ खाना लेके आइए, जब तक वो खाना लेकर आते तब तक अचानक उसको उसका मरीज का आदमी का बयान है, देखिएगा उसमें टीवी में चला रहे हैं लोग कुछ पत्रकार, उसमें मरीज का अटेंडेंट का बयान है कि सीना में दर्द हुआ और पसीना चलने लगा, और पसीना चलने के बाद जो है मरीज सीरियस हो गया। ये बयान मीडिया में ही मरीज की मम्मी ही बोल रही है। मन में ने फुआ है शायद उनकी, अच्छा। उनकी फुआ है जो शुरू से उनका केयर टेकर में, उन्होंने ही यहाँ है क्योंकि उनकी माँ यहाँ नहीं रहती है। क्योंकि मुझे भी 10 दिन से जब मेरे साथ पेशेंट है तो हमारा तो भी एक पारिवारिक उससे संबंध हो जाता है। अब मरीज के आदमी बहुत भले लोग थे, बहुत सज्जन लोग थे, भले वो मेरा संवेदना है उनके साथ कि आज उनकी बच्ची नहीं रही, और जो भी परिवार के लोग थे, लेकिन वो लोग काफ़ी अच्छे लोग थे। उनको बहकावे में किसी के आने के कारण ये सारा जो है लोग कराया गया है, ठीक ना। कुछ मीडिया के भी चंद लोग हैं और कुछ जो है लोकल यहाँ के जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो इस सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं कि अच्छा कार्य करने वाले को कैसे टांग खींचा जाए। अरे हम डॉक्टर हैं, हम चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ से बच के जाए, ठीक होकर जाए। और इवन इतना ही नहीं, मैं उस मरीज को इतने कम पैसा में इलाज किया था कि आपको अंदाजा नहीं होगा। सोचने वाली बात है, मैं उनको, चूंकि वो काफ़ी दूर के पेशेंट थी, सहरसा की नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल से थी, यहाँ पे वो उसकी माँ का जॉब है इसके वजह से वो रहती है सहरसा में, और अच्छा। उनका पिताजी नहीं थे तो मुझे पहला दिन ही बताया, तो हम लोग ने उनको काफ़ी मदद किया कि इवन उनका बेड चार्ज तक हॉस्पिटल का जो भी होता है 10 दिन 15 दिन का, हम बोले थे कि आपको हमने फ्री कर दिया और चार्ज नहीं लेंगे, और मैंने उसका चार्ज फ्री किया था। संजोग है उसका पेशेंट नहीं बचा, ये दुर्भाग्य है, और मरीज का भी और साथ में डॉक्टर का भी दुर्भाग्य है कि इस टाइप का घटना घट गई। ये मैंने हॉस्पिटल है तो ऐसा घटना तो बहुत कम होता है, लेकिन कभी न कभी लाइफ में एक दो बार ऐसा
होता है, हो जाता है। अच्छा, आप पर आरोप है कि लाख रुपया सुपर ले लिए थे, पैसा कहाँ है? अगर लाख रुपया का होगा ना तो आप बिल उसका मांग लीजिए, अगर वो लाख रुपया देगा तो हम उनको 2 लाख रुपया उसके बदले में दे देंगे। तो ऐसा ये आरोप है जो खारिज है? हाँ, ऐसा खारिज तेज बोले, अगर वो लाख रुपया अगर उन्होंने दिया मुझे तो वो 1 लाख रुपया हमको बिल दे। यही बात चला था कि आपने बिल नहीं दिया। अच्छा, ऐसा कहीं होता है क्या कि कोई पेशेंट आप पैसा देंगे और आप बिल ना देंगे? तो बिल नहीं लेना, अगर आप नहीं लेते तो आपकी गलती है, अगर आप दिए और नहीं लिया तो आपकी गलती, तो साफ साफ लिखा हुआ है पैसा देने से पहले रसीद ले लें, पैसा देने के बाद, ठीक है ना? तो ये आपकी गलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आरोप मरीज का परिजन का नहीं है, कुछ उनके साथ जो लोग थे उनका आरोप है। मरीज के परिजन ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरा पैसा ज़्यादा ले लिया गया, मेरा पैसा के लिए कुछ किया गया, मरीज के परिजन एक बार भी नहीं बोला। मैंने तो सारा इंटरव्यू देखा, सबका चैनल को देख रहा था, सबको देखा है, बाद में संजोग से हम आज थे नहीं है, दुर्भाग्य से हम थोड़ा सुबह सुबह कहीं बाहर निकल गए, अगर हम होते तो शायद इस तरह का मौका माहौल ही नहीं बन पाता, क्योंकि मरीज और डॉक्टर का जो मेरा रिलेशन होता है ना, एक घरेलू होता है, एक बहुत अपनापन का होता है। और चूंकि आप मेरे नेचर को जानते हैं कि मैं बहुत ऐसे गरीब को मदद, कितना लोग को मदद किया हो, जो तो पीके आर्यन जी आप लोग के उदाहरण आप लोग के विभाग से हैं, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनका भी मैंने इलाज किया है, कई बार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गरीब तत्व के परिकार छोटे मोटे पर पत्रकार में काम करते हैं। मैं जानता हूं सर, आप तो कैंप लगाकर गरीबों को मदद जी 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 कैंप लगाकर अभी मैंने अपने पूरे देखे हैं कितना बड़ा कैंप लगाया था, जो कि कैंप में लोग एक दो डॉक्टर जरूर जुड़ते हैं, कैंप लगाकर 20 डॉक्टर की टीम के साथ मैंने एक मेला लगाया था कैंप का, जहाँ पर 5 लाख रुपये का दवा मैंने मुफ्त में बांटा था। अभी कोरोना काल में भी काफी, कोरोना काल में जो मंच, जो टीवी वाले अभी हमारे खिलाफ दिखाया कि यहाँ घिरौना खेल हुआ है, वही बंधु ने इंटरव्यू लिया था मेरा, चूंकि मैंने बुलाया नहीं था उनको, उन्होंने आया था मेरा इंटरव्यू लेने, और बोला था कि ये डॉक्टर आज भी भगवान है, आप उनका जाके कोरोना काल का एक वीडियो देख लीजिए, बोलिए उसको वही वीडियो को डालने के लिए, वही पत्रकार मुझे भगवान बताया था, और वही पत्रकार आज मुझे बोल रहा है कि डॉक्टर के घिनौने कारण जो है किसी का हार्ट अटैक हो जाता है क्या? हम एक भी आरोप यह भी है कि डॉक्टर सभी अस्पताल का भाग। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लाठी चलाएंगे ढेला चलाएंगे तो क्या हम सामने ढेला रोकने के लिए रुकेगा वहाँ लोग? जब यहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, अगर कहीं से ढेला चल रहा हो कोई मारने के लिए तो उस पर हावी हो रहा है, 50 आदमी और 5 लोग हैं, तो क्या यहाँ पर वो डॉक्टर रुकेगा कि भागेगा? उसके चक्कर में तो दूसरे मरीज का जान चला जाता है, ये लोग के चक्कर में संजोग है कि किसी का नहीं गया, ठीक है ना, संभल गया समय रहते, तो थाना और प्रशासन के लोग को हम लोग बुलाया, जिसके कारण जो है भीड़ थोड़ा कंट्रोल हुआ, और बाकी जो समुचित रूप से जो इलाज बाकी लोग को परिजन बाकी मरीजों का इलाज समुचित रूप से हो पाया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।